दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है महाकाल अंगारा। ये सेकेंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है अंगारा खतरे में। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में। अंगारा का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ इसको आगे से। महाकाल अंगारा। सारे संसार में वन्य प्राणियों की रक्षा का आंदोलन छेड़ने वाला कमांडो अंगारा इस बार जिबाल देश में है, जहाँ वन्य प्राणियों पर अत्यधिक जुल्म हो रहे थे। जिबाल का सम्राट साकोरस जानवर के अंगों, हड्डियों, खालों के व्यापार से लाखों रुपए कमाता था। जिबाल के वन्य प्राणियों में तरह त्राही त्राही मची हुई थी। जैसे अंगारा को सूचना मिली, वह जिबाल जा पहुंचा और जिबाल के शाह ने अंगारा की मौत का ठेका अमेरिका से प्राप्त कर लिया। मुकाबला मौत की घाटी में है, जहाँ जिबाल की सर्वशक्तिमान फौज 10 मैन आर्मी ने अंगारा को घेरा हुआ है और सामने शैतान साकोरस खुद खड़ा है। इस ज्वाला जंगल में सारे दरिंदे आज हमारे नाम से कांपते हैं। तुमने भी इसका नमूना भी देख लिया होगा और मेरी शक्ति भी। दुनिया में कौन है जो बाहुबल में मुझसे मुकाबला कर सके? ऐसा साकोरस, किसी भी शूरवीर को अपने बाहुबल का अहंकार नहीं करना चाहिए। यह अहंकार नहीं, हकीकत है। मेरी बुझाई शेरों हाथियों की गर्दनें तोड़ चुकी है और अब संसार के सबसे खतरनाक जानवर की गर्दन भी यही बुझाई तोड़ेंगी। तुम संसार के सबसे खतरनाक जानवर हो अंगारा। मौत की इस घाटी से तुम जिंदा नहीं निकल सकते, मैं जानता हूं। और मैं भी आज इस युद्ध में निहत्था लड़ने आ पहुंचा। और मैं यह भी जानता हूं कि तुमने $10 लाख में मेरी मौत का ठेका भी लिया है, लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम कि मैंने भी तुम्हारे कत्ल का ठेका लिया है। जिबाल की लोकतंत्र व्यवस्था ने मुझे यह ठेका दिया है, इंसानियत ने मुझे यह ठेका दिया है और मासूम वन्य प्राणियों ने मुझे यह ठेका दिया है। तुम जैसे शैतान के लिए अब इस धरती में कोई स्थान नहीं साकोरस। यो, मैं तुम्हें कुचल दूंगा ठोक। लेकिन अगले पल साकोरस ने अपने आप को संभाला और तुम्हारी गर्दन तोड़ने का मजा ही कुछ और होगा। यह गर्दन गैंडे की खाल की बनी है मूर्ख। भ्रम ठोक। ऐ शैतान, अब तो खुद बता, पहले तेरा कौन सा अंग भंग किया जाए? अंगारा सचमुच शक्तिशाली है, इसे मानवीय शक्ति से जीतना असंभव है। मुझे अपनी अमानवीय शक्ति को जगाना होगा। साकोरस की अमानवीय शक्ति का केंद्र उसका कवच था। जब तक यह कवच है, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। यह मानवीय शक्ति का बटन दबते ही, ओह, यह कैसी चकाचौंध! मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हा। ढुम ओह आई तड़ाक। हा। ठोक। देख, तेरी मौत अब तेरे सामने खड़ी है। लेकिन अंगारा बेहोश हो चुका था। हा। तभी अरे, यह कौन शैतान परिंदा जो मेरे दुश्मन को उड़ाकर ले जा रहा है? जूम। 10 मैन आर्मी के तोपची ने जटायु को निशाना बनाया। भड़ाम। मशीन गन भी गर्ज उठी, लेकिन जटायु ने उनकी पोजीशन पहले से ही देखी हुई थी, इसलिए वह किसी के निशाने पर न आ सका। वह घाटी पार कर गया है, उसे रोको, जाने न पाए। हेलीकॉप्टर कम ऑन, हरी अप। हेलीकॉप्टर घाटी में ऊपर आया। 10 मैन आर्मी कॉप्टर में सवार हो गई। उस परिंदे का पीछा करो। पीछा तो तब करोगे जब मैं तुम्हें नजर आऊंगा। जब अंगारा को होश आया, यह मुझे क्या हो गया था? मैं कहा हूं, आप सुरक्षित स्थान पर है स्वामी। ओ जटायु, क्या तुम मुझे युद्ध भूमि से यहां ले आए? हाँ स्वामी, अगर मैं ऐसा न करता तो वह कपटी आपको मार डालता। पता नहीं वह कैसी चमक थी जिसने मुझे अंधा कर दिया था। मैं वह सारा दृश्य देख चुका हूँ स्वामी। उस शैतान ने कपट करके आपको मारना चाहा। वह मूर्छित अवस्था में ही आपकी हत्या कर देता, लेकिन मैंने उसके इरादों पर पानी फेर दिया। उसके सीने पर एक कवच है जो सूर्य की तरह चमकता है, लेकिन मुझे उसे पराजित करना है। मैं पीठ दिखाकर नहीं भाग सकता।
शायद वजीर सुलेमान को इसकी काट पता हो। अरे हाँ, और उसने हमें यह बात बताई भी नहीं। चलो हमें ले चलो वहां। अंगारा जटायु की मदद से पुनः उस गुफा में पहुंचा जहां सुलेमान कैद था। मैं साकोरस के कवच का रहस्य पूछने आया हूँ जो तुमने मुझे पहले नहीं बताया था। आपने मुझे साकोरस की अमानवीय शक्ति के बारे में पूछा ही कब था? ठीक है, अब बताओ यह कवच क्या बला है? यह कवच साकोरस के प्रोजो का है जो विजय का प्रतीक है। इसे धारण करने के बाद योद्धा अपराजित हो जाता है। इस कवच की धातु में दो पत्थर ऐसे हैं जिनकी शक्ति इच्छा अनुसार जागृत की जा सकती है। यही वह प्रकाश स्रोत है जो शत्रु को अंधा कर देता है। ये पत्थर अपनी प्रकाश किरणों से शत्रु की शक्ति भी छिन्न कर देते हैं और कवच धारक की शक्ति उतनी ही बढ़ जाती है। इस कवच की काट क्या है? केवल वही व्यक्ति कवच धारक को पराजित कर सकता है जो अंधा हो। अगर आप साक और सो देखे बिना ही युद्ध कर सकते हैं तो आप पर कवच का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि साक और से द्वंद में आज तक कोई नहीं जीत पाया और वह जानवरों को आसानी से मार डालता है। या फिर किसी तरह साक और उसका कवच उतार दिया जाए बस। वजीर सुलेमान को गुफा में बंद कर अंगारा और जटायु बाहर आ गए। जटायु, क्या तुम मुझे अपनी आंखें दे सकते हो? मेरा सब कुछ आपका स्वामी, निकाल लीजिए मेरी आंखें। तुम्हारी आंखें मेरा मार्गदर्शन करेंगी क्योंकि मैं युद्ध भूमि में अंधा बनकर लड़ूंगा, अर्थात दूर से आपको निर्देश देने होंगे। मैं सब समझ गया स्वामी। अंगारा ने आंखों पर पट्टी बांध ली। अब मुझे एक बार फिर रणभूमि में ले चलो। जटायु अंगारों को लेकर मौत की घाटी की तरफ उड़ चला। जल्दी, हा, पीठ दिखाकर भागने वाले कायर, तो फिर आ गया। संभल मेरा वार स्वामी, चार कदम बाए। ए कपटी शैतान, अब मैं महाकाल बनकर आया हूं। इस तरह जटायु अंगारा को साकोरस की स्थिति से अवगत कराता रहा। एक कदम पीछे, छह अंगुल दाएं। देखो उधर मौत की घाटी में फिर से युद्ध हो रहा है, हमें तुरंत वहां उतार दो। अब दाएं हाथ से बिल्कुल सामने एक गुस्सा, बाईं तरफ से एक फुट हाथ घुमाकर मारो स्वामी, कवच आपके हाथ में होगा। हाँ यही कवच, इसे खींच डालो। ओह आह, मेरा कवच कवच उतर गया स्वामी। ठीक है, अब मैं भी पट्टी खोलता हूँ और मैं उस उड़ने वाली मशीन को देखता हूँ ताकि यह दोबारा मेरा पीछा न करे। मैं महाकाल अंगारा हूँ कपटी शैतान, अब तेरा अंत आ गया है। बचाओ टैनमैन आर्मी, कम ऑन। साकोरस को मुसीबत में देखकर कराटे फाइटर मैदान में कूद पड़ा। वह गोरिल्ले की खाल पहना हुआ था। कोई भी वन्य प्राणी अंगारा पर आक्रमण नहीं करता, क्यों खाल पहनकर मुझे धोखा दे रहा है? याई शुम, देख अब तेरी टांगे टूटने वाली हैं। ओह, और अब महाकाल अंगारा का मौत का वार भी सहले। टैन मैन आर्मी का नंबर वन योद्धा मारा गया। अब मुझे अपनी जान बचाकर भागना चाहिए। जाता कहां शैतान, तो भी यहां से नहीं निकल सकता। मेरे मित्र घोड़े, शैतान को वापस मेरे कदमों में पटक दो। घोड़े ने अंगारा की आज्ञा का पालन किया। शाबाश धड़ाम। ओह, अब मुझे अपनी गैस का प्रयोग करना चाहिए, किंतु अंगारा पर गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह टैबलेट मुझे इस गैस से बचाएगी। ऊपर आकाश में, ओह यह पक्षी, अभी इसका खात्मा करता हूं। हेलीकॉप्टर से जटायु पर गोलियों की बौछार होने लगी। अब तू मेरे वार से बचकर तो दिखा, देख मेरे पंजों का कमाल। मेरा नाम जटायु है बेटा और मैं महाकाल अंगारा का वान हूं। यह गोलियां मुझे छू नहीं सकती। और हेलीकॉप्टर ध्वस्त हो गया। उधर अंगारा ने साकोरस को कैद कर लिया था। तुम्हारा सा मेरी कैद में, टेनमैन आर्मी के बाकी लोगों अपने हथियार फेंक दो और सामने आ जाओ। मेरी जान खतरे में, हथियार फेंक दो। हम शहीद हो सकते हैं लेकिन घुटने नहीं टेक सकते, हमने कभी हथियार फेंकना नहीं सीखा। टेनमैन आर्मी के शेष लोगों ने एक साथ हमला कर दिया। सोए धोए धोए, रेट 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 धड़ाम। मेरे मित्र घोड़े शेरवाज, इस साखों तब तक घसीटते रहो जब तक मेरी जंग चलती रहे। हा, मेरा ही घोड़ा मुझे घसीट रहा है नालायक। इसके जूतों में बम दिशा का यंत्र है, अब इसका खात्मा किए देता हूं।
लेकिन कोई सुरंग नहीं फटी। कमाल है, क्या इसके जूतों में बम फाड़ने वाला यंत्र नहीं है? तूने जितने भी बम इस घाटी में बिछाए सब बेकार है, कोई नहीं फटेगा। अब मुझे पूरा ही तोप का हमला कर देना चाहिए, धड़ाम धड़ाम। लेकिन तोप के गोलों से बचते बचाते अंगारा वहां से फुर्ती से निकला और अपने घोड़े पर सवार हुआ। ओ यह तोप जी बहुत शोर मचा रहा है, मेरे कानों के पर्दे हिल रहे हैं, मैं इसे कहीं दूर फेंकाऊंगा। धड़ाम धड़ाम। अब तो तोप चलाने योग्य नहीं रहेगा चरखे, बचाओ। उधर रणभूमि में इस अंगारा पर तो मेरी गोलियों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, मेरे तीर भी उसके शरीर को भेद नहीं पा रहे हैं। मैं अपनी तलवार से इसकी गर्दन उड़ाकर अभी आया, तब तक तुम लोग अपना आक्रमण बंद रखो। मेरे मित्र है काले घोड़े, जरा अपने सवार को कलाबाजी खिलाओ। शाबाश, बोलो अब इस तलवार से तुम्हारी गर्दन कलम कर दूं? हे महामानव, आप सचमुच महाकाल हैं, मुझे समाधान देकर अपना गुलाम बनाए। अपनी तलवार का प्रयोग किसी अच्छे कार्य के लिए करना, मेरी यह बात हमेशा याद रखना। जाओ क्षमा किया, मैं निकट से हमला करने जा रहा हूं। अरे वाह दोस्त, तुम भी आ गया हो गले मिलने। कमाल है, शेर के हाथ में खंजर, देखो मुझे धोखा पसंद नहीं। शुम, शेर की खाल, और अब तेरे इन हाथों को तोड़ूंगा जिससे तू खंजर चलाता है। नहीं, आह, टेन मैन आर्मी के बाकी लोगों सामने आकर मुकाबला करो। न तुम्हारे तीर उसे छेद पा रहे हैं और न मेरी गोलियां, और हम दो ही बचे हैं। क्यों न हम बालसन के शिकारी कैंप से मदद लें? हाँ बालसन इस जंगल का ठेकेदार है, तो फिर देर मत करो, चलो ड्राइवर हमें बालसन के कैंप में ले चलो तुरंत। जंगल में बालसन का कैंप लगा था, वहां पहुंचकर दोनों ने बालसन को सब कुछ बता डाला। क्या कहा, साख और उसकी जान खतरे में? अगर जेबाल में फिर से लोकतंत्र आ गया तो हमारा कारोबार भी खत्म हो जाएगा। उन चारों शिकारी कुत्तों को ले चलो, उनके सामने बड़े से बड़ा दरिंदा भी चूहे जैसा है। बालसन अपने शिकारी कुत्तों के साथ जीप से निकला। उधर मोती घाटी में सब भागे, स्वामी तो सब जानवर को मेरा संदेश दो कि वे इस घाटी में आ जाए। सबको देवता अंगारा बुला रहा है, चलो मोती घाटी चलो, चलो सब चलो मोती घाटी चलो, देवता अंगारा बुला रहा है, देवता हम सबका रक्षक है। अब तुम सबकी विपत्ति समाप्त होगी, यहाँ कोई तुम्हारा शिकार खेलने नहीं आएगा। लेकिन स्वामी मैं कुछ और ही देख कर आ रहा हूं, शिकारियों की पूरी टोली चार बहने शिकारी कुत्तों के साथ आ रही है। क्या, तुम सब गुफा और झाड़ियों में छिप जाओ। सब जानवर छिप गए और उसी पल वो रुक जाओ, रुको वहीं, जानते नहीं मैं अंगारा हूं? चलो पहले मुझे सलाम करो। अंगारा नमस्ते, देवता अंगारा। तुम अब उसे खींचकर यहां लाओ जिसने तुम्हें यहां भेजा है। शिकारी कुत्ते बालसन को खींचते ले आए। अपने आदमियों से कहो अपने हथियार डालकर मेरी गुलामी स्वीकार करें, वरना ये सारे जानवर और यही कुत्ते तुम सबको चीर फाड़ डालेंगे। वह तो कोई जादूगर है, भागो। मेरे जानवर मित्रों, भागने वालों को पकड़ पकड़ कर यहां ले आओ। फिर क्या था, देखते देखते टेन मैन आर्मी के बचे कुचे लोग और बालसन के साथी पकड़े गए। कुछ ही देर बाद देख लिया साकोरस, तुम्हारा और तुम्हारे आदमियों का क्या अंजाम हुआ। तुम सब जिबाल की जेल में बाकी दिन बिताना। साकोरस और उसके साथियों को कारागार में डाल दिया। जिबाल में लोकतंत्र बहाल हो गया, अंगारा की जय जयकार हुई। आप ही नई सरकार के प्रधानमंत्री हैं, मुझे किन शब्दों के साथ विदा करना चाहेंगे? हमारी सरकार समस्त वन्य प्राणियों की रक्षा करेगी और जो कोई इनका शिकार करेगा उसे कड़े से कड़ा दंड देगी। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और इसकी अगली कॉमिक्स है ऑपरेशन अंगारा, तो ये भी मैंने नहीं पढ़ी हुई है अभी, तो इसको भी मैं पढ़ूंगा और आगे कभी डाल दूंगा। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।